आज मैं आपसे बहुत ही सुंदर सा हैंड बैग का डिजाइन लेकर आई हूँ ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है ये बेबी के लिए टीनिज के लड़के के लिए और वुमेन के लिए आप बना सकते हैं कैरी करने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है देखिए इसमें मैं टिप बटन लगा रही हूँ और ये पार्टी के लिए मार्केट के लिए कैरी करके आप ले सकते हैं देखिए बहुत ही सुंदर है इसलिए शेयर कर रही हूँ ये आप आसानी से बच्चे खिची धागे से भी बना सकते हैं एक घंटे का अंदर अंदर बनकर रेडी होता है इसके लिए गोल बनानी है गोल के पीछे धागा रखना है और ये धागा आपको खींचना है ये मैजिक लूप में बना रही हूँ मैजिक लूप आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं इस तरीके से देखिए इसको दो भाग में लेना है और इसका ऊपर तीन चैन डालना है देखिए एक दो तीन तीन चैन डालने के बाद देखिए बीस सेंटर में इस तरीके से दो भाग लगानी है तीन चैन डालने के बाद इसका ऊपर इस तरीके से लपट कर डबल कुरीसी बिनाई बिनना है देखिए इसमें हम बारह डबल कुरीसी बिनाई बीने बीनेंगे चैन वाला भी लेकर अब देखिए दो बन चुका है इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हैं इसका ऊपर बारह डबल कुरेश भी नहीं बेनना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह डबल कुरेसी में इसमें बना रही हूँ इतनी बनाने के बाद देखिए इसको लेना है और खींच देना है इस तरीके से अब देखिए इधर चेन वाला है देख सकते हैं एक दो तीन इसका ऊपर वाला पीछे वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है इसलिप स्टिच से देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे अब देखिए इसको आपको थोड़ी टाइट कर लेना है अब देखिए इस तरीके से बारह डबल कुरुसी बीनने के बाद तीन चेन एक दो तीन फिर इसका ऊपर लपटना है एक बार और डबल कुरीसी बिने बीन देना है मतलब इसमें देखिए एक ही चेन में हम दो बार बिनेंगे। देखिए इसमें दो चेन है देख सकते हैं इसका पीछे वाला चेन में हम बनाएंगे इस तरीके से लपेटना है और पीछे वाले चेन में आपको डबल कुरु सेना है अब देखिए इस तरीके से एक फिर इसी में एक बार बीनना है दो इसी बात को रिपीट करते हुए बारह का उपर, डबल कुरुसी का ऊपर चौबीस डबल कुरुस आपको बीनना है इसी तरीके से प्रत्येक चेन में दो दो बार बीनते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर प्रत्येक चेन में दो दो बार बीनते हुए बनाती हूं आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा अब देखिए इसमें मैं चौबीस डबल कुरुसे बना चुकी हूँ एक दो तीन तीन का ऊपर वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है बैक लूप से तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर तीन चेन एक दो तीन अब देखिए ये चेन वाला का डिजाइन का ऊपर चेन वाला डिजाइन बनानी है एक चेन में इस तरीके से बन चुका है दूसरी चेन में फिर एक में से दो बार बनाएंगे देखिए एक फिर इसी में एक इस तरीके से बनानी है अब फिर देखिए ये तीसरी वाले चेन में एक बार बनानी है और चौथी वाले में एक में से दो बार बीनना है देखिए एक फिर एक बार दो इस तरीके से बनाइएगा मतलब देखिए एक चेन में एक बार बनानी है दूसरी चेन में एक में से दो एक चेन में एक बार और फिर दूसरी चेन में एक में से दो इसी तरीके से आपको बीनते हुए तक आना है। अब देखिए एक में से दो बना चुकी हूं एक ये बन बना चुकी हूं इसी में आपको एक में से दो बार बीनना है, एक बार, फिर इसी में एक बार इस तरीके से आपको इसका ऊपर छत्तीस डबल कुरे से बीनना है एक दो तीन तीसरे का ऊपर वाले चेन में कनेक्ट करेंगे छत्तीस डबल कुरे से होने के बाद अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है फिर तीन चेन एक दो तीन फिर लपेट लेना है एक चेन में एक बन चुका है दूसरी चेन में भी एक बनाएंगे अब देखिए दो बन चुका है और तीसरी में देखिए दो बीनने के बाद तीसरी में देखिए जो हम बढ़ाए थे इसका पीछे वाला चेन का ऊपर वाले चेन में आपको फिर एक में से दो बनानी है देखिए इसमें हम बढ़ाए थे एक में से दो इसका पीछे वाले चेन में आपको एक में से दो बार बनानी है एक दो इस तरीके मतलब देखिए शुरू में एक बीनने के बाद एक में से दो बनानी है फिर इसका ऊपर दो बिनने के बाद एक में से दो फिर इसका ऊपर तीन बीनने के बाद एक में से दो बनानी है फिर इसका ऊपर चार बीनने के बाद एक में से दो बनानी है इसी तरीके से इसका ऊपर आप बना सकते हैं या आप छोटा और बड़ा साइज का आसानी से बना सकते हैं इसी तरीके से इसका ऊपर स्टिच बढ़ाकर अब देखिए एक और ये दो दो बीनने के बाद हम इसका ऊपर बढ़ा रहे हैं देखिए ये जो हम बढ़ाए थे इसका पीछे वाला स्टिच में हम बढ़ाएंगे दो बिनने के बाद फिर एक में से दो एक दो इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बिनना है बारह बारह का ऊपर चौबीस चौबीस का ऊपर छत्तीस छत्तीस का ऊपर अड़चालीस अड़तालीस का ऊपर साठी साठी का ऊपर बहत्तर इस तरीके से आपको बनानी है इसी तरीके से देखिए एक बिनने के बाद हम बढ़ाए फिर दो बिनने के बाद इसका ऊपर बढ़ाएंगे फिर इसका ऊपर तीन बिनने के बाद बढ़ाएंगे फिर इसका ऊपर चार बीनने के बाद बढ़ाएंगे फिर इसका ऊपर पांच बिनने के बाद बढ़ाएंगे इसी तरीके से मैं इतनी बीन चुकी हूं अब देखिए चार बिन्नी के बाद बढ़ाएंगे एक दो तीन अरे चार चार इस तरीके से बिनने के बाद फिर इसका ऊपर बढ़ानी है देखिए ये वाले में हम बढ़ाए थे इसका पीछे वाले में फिर हम बढ़ाएंगे ये वाले में एक फिर इसी में एक बार बिनना है इस तरीके से फिर देखिए एक दो तीन ऊपर वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है अब देखिए शुरू में हम बारह स्टिच बनाए थे डबल कुरुसे का फिर इसका ऊपर एक में से दो बिनती हुए ये देख सकते हैं एक में से दो फिर एक में से दो इस तरीके से बीनते हुए बारह का ऊपर हम चौबीस डबल कुरे इसका ऊपर बना रहे हैं चौबीस डबल कुरे से बीनने के बाद देखिए इसका ऊपर एक बिनना है देख सकते हैं एक बिनना है फिर एक में से दो बना देना है फिर एक बिनना है एक में से दो बना देना है इसी तरीके से इसका ऊपर हम चौबीस का ऊपर छत्तीस डबल कुरीसी बनाए फिर छत्तीस का ऊपर अड़चालीस स्टिच बनाने के लिए देखिए इसका ऊपर दो बार बिनना है देख सकते हैं एक दो बार फिर तीसरी में आपको एक में से दो फिर दो बार बिनना है एक में से दो इस तरीके से आपको छत्तीस से अड़चालीस स्टिच बनानी है डबल क्रोशिया का अब देखिए इसका ऊपर फिर मैं दिखाती हूँ इसमें देखिए तीन बिनना है देख सकते हैं तीन बिनना है एक में से दो बना देना है इस तरीके से अड़चालीस से आपको साठ स्टिच बिनना है तीन बिनना है फिर एक में से दो बनाते हुए फिर इसका ऊपर आपको अड़चालीस से बयालीस स्टिच बनाने के लिए देखिए चार बिन्ने हैं एक में से दो बनानी है फिर देखिए चार बिन्या है एक में से दो बना देना है इसी तरीके से इसका ऊपर आपको बिनना है या आप जितना बड़ा बनाना चाहे उतनी बड़ा बना सकते हैं अब देखिए ये बिनाई का धागा आपको कट लगा देना है और लक लगाएंगे इस तरीके से एक दो बार इसका ऊपर लक लगा सकते हैं और जितनी भी आपके पास होस्टेड धागा है इसी तरीके से लक करके बनाइएगा जिसकी वजह से बिनाई फिनिशिंग और मजबूत बनकर आता है अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है अब देखिए इसमें इस, इस तरीके से हम पत्ते वाला डिज़ाइन डालेंगे अब देखिए ये डिजाइन किस तरीके से लगाएंगे ये आपको एक ही साइज़ का दो बनानी है और दोनों में आपको इसी तरीके से पत्ते वाला डिजाइन बनानी है अब देखिए ये मैं एक बना चुकी हूँ इसी तरीके से दूसरी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ आप इसी तरीके से दो बनाइएगा जिस तरीके से मैं बना रही हूँ अब देखिए ये डबल क्रोसे का फ्रंट का लूप है इसी में आपको डिजाइन डालना है तो देखिए इस तरीके से लेना है और ये धागा एक बार लपेट देना है इसी में और इसका ऊपर तीन चेन एक दो तीन इस तरीके से थोड़ी टाइट करिएगा फिर लपेटना है इसी में आपको एक में से दो बार बनाया नहीं है एक दो फिर दूसरी चेन में भी इसी तरीके से एक में से दो बनाएंगे देखिए एक फिर इसी में एक बार फिर तीसरे चेन में भी हम इसी तरीके से एक में से दो बनाएंगे एक दो मतलब इसमें हम तीन चेन में छह डबल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः डबल क्रोशे होने के बाद मैं दिखा रही हूं और देखिए इसका ऊपर एक दो तीन तीन चेन डालना है पलटनी है दूसरी साइड इस साइड से देखिए प्रत्येक चेन में हम दो दो बार बीनते हुए बनाएंगे बारह डबल कुरु से मतलब चेन वाला भी आपको काउंट कर लेना है दो बन चुका है तीन फिर इसी में बीनना है चार पांच फिर इसी चेन में बनाएंगे छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह डबल को इसका ऊपर आपको बिनना है अब देखिए इस तरीके से बारह डबल से बीनने के बाद अब देखिए इसको इस तरीके से लेना है अब देखिए एक दो तीन चार चौथी वाली चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है स्टिच से अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है तीन चेन डालेंगे इसका ऊपर एक दो तीन फिर लेना है इस तरीके से बैक साइड पलटते हुए फिर देखिए ये दोनों चेन आपको इस तरीके से लेना है और इसका ऊपर सिंगल कुरी बिनाई बेन देना है फिर देखिए इसका ऊपर दोनों चेन इस तरीके से लेना है और इसका ऊपर सिंगल कुरु से बिना बेन देना है इसी तरीके से इसका ऊपर हम बिनेंगे, अब भी इसी तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए ये मैं प्रत्येक चेन में इसी तरीके से सिंगल कुरीसी बिनते हुए इसका ऊपर बनाती हूँ अब भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा बहुत ही ईजी है सिर्फ आपको समझना है एक बार समझने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे अब देखिए इसी तरीके से मैं इसका ऊपर बारह सिंगल से बना रही हूँ एक दो तीन चार चौथी चेन में इस स्लीप स्टिच से जोड़ाई कर देना है फिर इसका ऊपर डबल से बिना बीनना है एक दो तीन तीन चेन डालेंगे और एक में से आपको दो बार बीनते हुए जिस तरीके से ये वाला डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से बनानी है देखिए तीन चेन में छह डबल कुरुसी बिनेंगे, एक चेन में दो बार बिनते हुए एक अब देखिए ये दूसरा चेन में फिर एक में से दो बार बिनेंगे, एक दो फिर तीसरी चेन में भी इसी तरीके से आपको बिनना है लपेट लेना है अरे फिर डबल से बिने बिनना है एक दो मतलब तीन चेन में हम छः डबल कुर से बीनेंगे प्रत्येक में आपको दो दो बार बीन देना है देखिए दो चार छः इस तरीके से बनाने के बाद फिर तीन चेन डालेंगे एक दो तीन फिर पलट ले हैं दूसरी साइड अब देखिए इस साइड में हम जिस तरीके से बारह डबल कुरी से बनाए थे इसी तरीके से इसमें भी बनाएंगे लपेटना है और फिर डबल कुरी से बारह बार मतलब देखिए प्रत्येक चेन में हम इसी तरीके से दो दो बार बिनेंगे मतलब चेन वाला भी आपको काउंट कर लेना है और इसका दोनों चेन इस तरीके से लेते हुए डबल से बिना बिनना है बार बार डबल कुरे से इसका ऊपर मैं बना रही हूँ प्रत्येक चेन में दो दो बार बीनते हुए इस तरीके से बारह डबल कुरे से बीनने के बाद अब देखिए ये डिजाइन का नीचे देख रहे हैं ये चेन वाला लेना है और इसी में आपको स्लीप स्टिच लगा देना है अब देखिए इसका ऊपर तीन चेन एक दो तीन इस तरीके से अब देखिए ये चेन वाला लेना है फिर इस तरीके से फिर इसका ऊपर सिंगल कुरी से बिना बिन देना है फिर चेन वाला डिजाइन लेना है और सिंगल कुरी से बिना बिन देना है इसी तरीके से इसका ऊपर हम बारह सिंगल कुरी से बिना बिनेंगे प्रत्येक चेन में एक एक बार बिनते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ चेन वाला डिजाइन में भी हम इसी तरीके से सिंगल कुरी से बिना बिनेंगे अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है फिर इसका ऊपर हम जोड़ाई करेंगे देखिए ये वाला डिजाइन लेना है देख सकते हैं ये छोड़कर ये वाला डिजाइन इसमें आपको कनेक्ट कर देना है तो देखिए ये बहुत ही सुंदर फ्लावर का शेप बनकर आता है अब देखिए फिर इसका ऊपर तीन चेन एक दो तीन फिर ये नीचे का डिज़ाइन देख रहे हैं ये नीचे का डिज़ाइन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है कोई भी चेन में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं देखिए तीन चेन एक दो तीन इस तरीके से लेना है फिर डबल क्रोसी बिना बेनना है एक में से हम तीन बार बनाएंगे अब देखिए इसमें मैं तीन बार बना चुकी इसी तरीके से दूसरी चेन में भी तीन बार बनाएंगे देखिए एक दो और ये तीन फिर देखिए तीसरी चेन में भी इसी तरीके से तीन बार डबल कुरु से बिना बिनेंगे एक दो और ये तीन अब देखिए अब देखिए नौ डबल कुरु से तीन छः नौ इस तरीके से तीन चेन में नौ डबल कुरु से फिर इसका ऊपर तीन चेन एक दो तीन पलट लेना है दूसरी साइड अब देखिए प्रत्येक चेन में आपको दो दो बार बनाने हैं और नौ चेन का ऊपर अठारह डबल कुरु से बिन्नना है देखिए दो हो चुका है फिर दूसरी चेन में भी इसी तरीके से दो बार बनाएंगे एक फिर इसी में एक इस तरीके से आपको इसका ऊपर अठारह डबल कुरी से बिना बेन देना है प्रत्येक चेन में दो दो बार पिन्हते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ रही हूं लेना है और फिर डबल कुरी से बिना बेल लेना है एक दो अब देखिए ये चेन वाले में भी हम इसी तरीके से एक में से दो बार बनाएंगे एक फिर इसी चेन में एक बार बनानी इस तरीके से अठारह डबल कुरुसे भिन्ना है मतलब देखिए तीन चेन का ऊपर हम नौ डबल कुरुसे बनाए नौ डबल कुरुसे का ऊपर अठारह डबल कुरु से भिन्ना है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दुनिया अठारह डबल कुरुसे है अब देखिए इसका ऊपर एक दो तीन चार पाँच पांचों वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है इसमें हम चार में कनेक्ट कर रहे थे इसमें पांच में इसमें छ में इसमें सात में और इसमें आठ में कनेक्ट करते हुए ये बनाएंगे बनाने का तरीका सेम है बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है अब देखिए इसका ऊपर फिर हम तीन चेन डालेंगे एक दो तीन फिर पलटनी है दूसरी साइड चेन वाला डिजाइन लेना है और इसका ऊपर इस तरीके से सिंगल कुरी से बनाएंगे फिर चेन वाला डिजाइन लेना है और इसका ऊपर सिंगल कुरी से बिना बीन देना है इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ तक बीनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अब देखिए ये बन चुका है प्रत्येक चेन में एक एक बार सिंगल कुरे से आपको बनानी है अब देखिए इसको फिर इधर साइड पांच चेन में कनेक्ट कर देना है देखिए एक दो तीन चार पांच। पाँच पांचों वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है सिलेबिस्ट से अब देखिए इसका ऊपर फिर तीन चेन डालेंगे एक दो तीन फिर डबल कुरु से इसमें हम एक में से तीन बार डबल से बिना दीन बीनेंगे अब देखिए ये तीन डबल से बिना बन चुका है अब दूसरा दीन में भी इसी तरीके से तीन डबल से बिना बीनेंगे मतलब तीन चेन में नौ डबल कुरुसी बिना बीनने हैं देखिए तीन छ नौ फिर तीन चेन एक दो तीन पलट लेना है दूसरी साइड फिर प्रत्येक चेन में जिस तरीके से हम हाँ दो दो बार बनाए थे उसी तरीके से इसमें भी प्रत्येक चेन, चेन में दो दो बार बीनते हुए अठारह डबल कुछ से इसका ऊपर बीनेंगे प्रत्येक चेन में दो दो बार बीनना है देखिए इस तरीके से एक बार फिर इसमें एक बार फिर देखिए ये चेन वाला डिजाइन है इसमें भी आपको एक में से दो बार बीनना है एक फिर इसमें एक इस तरीके से आपको इसका ऊपर अठारह डबल क्रोशे बिनाई बेनना है देखिए इस तरीके से अब देखिए इसको लेकर आना है और इधर ये चेन वाला डिजाइन भी छोड़ना है और इधर का ये डिजाइन का नीचे आपको इसको कनेक्ट कर देना है प्रत्येक बार हम इसी तरीके से इसका ऊपर जुड़ाई करेंगे अब देखिए फिर तीन चेन एक दो तीन फिर देखिए प्रत्येक चेन में इस तरीके से सिंगल कुरु बिनाई बेनना है अठारह सिंगल कुरुसी बिनाई इसका ऊपर बीनेंगे अठारह डबल कुरुसी का ऊपर अब देखिए मैं इसी तरीके से ये डिजाइन बना चुकी हूं और डिजाइन बनाने के बाद एक दो तीन चार पाँच पांच वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है अब देखिए ये इस तरीके से कनेक्ट होने के बाद फिर इसका ऊपर एक दो तीन चीन टालेंगे लपेट लेना है फिर प्रत्येक चेन में आपको ती तीन तीन बार बुनते हुए तीन चेन में बनानी है अब देखिए इस तरीके से लेना है और डबल कुरी से बिना बीन देना है अब देखिए तीन चेन में इसका पर नौ डबल कुरे से बिना बीनेंगे अब देखिए ये नौ डबल कुरसी में बीन चुके हूं नौ डबल कुरे से बिना बीनने के बाद तीन चेन डालना है एक दो तीन पलट लेना है दूसरी साइड इस साइड से देखिए प्रत्येक चेन में आपको दो दो बार बीनना है अब देखिए मैं इसी तरीके से प्रत्येक चेन में दो दो, दो बार बीनती हुई अठारह डबल कुरी से इसका ऊपर बीनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अब देखिए अठारह डबल कुरी से इसका ऊपर इस तरीके से बनने के बाद फिर इसको इधर साइड डिजाइन में कनेक्ट कर देना है स्लीप स्टिच से हम इसका ऊपर कनेक्ट करेंगे और तीन चेन डालना है एक दो तीन फिर यहाँ से आपको प्रत्येक चेन में एक एक बार सिंगल कुरि से बनाना है अब देखिए इसी तरीके से प्रत्येक चेन में एक एक बार सिंगल कुरु से बीनते हुए अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुके हूँ इस तरीके से ये डिजाइन बनने के बाद फिर इसको कनेक्ट कर देना है अब देखिए इधर चेन गिनते हैं एक दो तीन चार चेन बाकी हैं कोई बात नहीं कम ज्यादा चेन छोड़ने के बाद भी आप इसको जोड़ाई कर सकते हैं इधर साइड इसको जुड़ाई कर देना है तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है फिर इसका ऊपर देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे अरे इसका ऊपर मैं ये धागा लगा रही हूँ दूसरी कलर का पत्ते वाला डिज़ाइन बनाने के लिए आप ओस्टेड धागे से भी ये बना सकते हैं देखिए इसका ऊपर तीन चैन डालेंगे अब देखिए ये धागा आपको टाइट कर लेना है ये अरे ये दोनों धागा आप चाहे तो ये धागा कट करके इधर साइड लक लग लगा सकते हैं ताकि ये मजबूत बने अब देखिए इसी तरीके से एक दो बार इसका ऊपर लक लगाती हूं अब देखिए ये इस तरीके से इसका ऊपर तीन चेन डालने के बाद इसका नीचे वाला चेन में आपको कनेक्ट कर देना है आप ये कोई भी चेन चेन में इसको कनेक्ट कर सकते हैं फिर तीन चैन एक दो तीन अब देखिए इसका ऊपर आपको एक चेन में तीन डबल कुरुसी बीनते हुए इसका ऊपर नौ डबल कुरीसी बिना बेनना है अब देखिए इसका ऊपर मैं तीन चेन में नौ डबल कुरुसी बिना बीन चुकी हूँ नौ डबल कुरुसी होने के बाद तीन चेन डालना है फिर पलट लेना है दूसरी साइड फिर प्रत्येक चेन में दो दो बार डबल कुरुसे आपको बिना बनना है इस तरीके से प्रत्येक में दो दो बार बीनते हुए अठारह डबल कुरु इसका ऊपर बनानी है अब देखिए अठारह डबल क्रोशिया बिनाई होने के बाद फिर देखिए चेन वाला डिज़ाइन में इसको कनेक्ट करना है एक दो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः वाला डिजाइन में इसको कनेक्ट करेंगे अब देखिए ये इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद फिर इसका ऊपर तीन चेन डालना है देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है इसमें हम चेन बढ़ाते हुए बना रहे हैं शुरू में हम चार चेन में कनेक्ट कर रहे थे और पाँच चेन में और ये छः चे चेन में कनेक्ट कर रही हूँ देखिए तीन चेन डालने के बाद इसको लेना है और इसका ऊपर सिंगल कुरुसी बिना बीन देना है फिर ये लेना है और इसका ऊपर सिंगल कुरुसी बिना बीन देना है इसी तरीके से इसका ऊपर आपको प्रत्येक चेन में एक एक बार सिंगल कुरुसी बीनते हुए डिजाइन बनानी है अब देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनने के बाद फिर इसका ऊपर चेन देखिए एक दो तीन चार पाँच छ छः वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ चुका है फिर इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करनी है जिस तरीके से इसमें हम चार चेन में कनेक्ट कर रहे थे इसमें पाँच चेन में और इसमें छः चेन में कनेक्ट करेंगे इसी तरीके से इसमें देखिए दो बना रहे हैं और इसका ऊपर तीन और इसका ऊपर चार इसी तरीके से इसका ऊपर बनने हैं देखिए दो तीन फिर इसका ऊपर ये डिजाइन एक दो तीन चार फिर इसका ऊपर पाँच डिजाइन देखिए एक दो तीन चार पाँच डिजाइन फिर इसका ऊपर डिजाइन देखिए एक दो तीन चार पाँच छ इस तरीके से अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर चार डिजाइन बनानी है चार डिजाइन बिनने के बाद तीन चेन में डाल चुकी हूं इसका ऊपर फिर तीन चेन डालना है एक दो तीन फिर तीन डबल कुरीसी बनानी है इसी तरीके से तीन डबल कुरीसी का ऊपर आपको नौ डबल कुरीसी बनानी है प्रत्येक चेन में तीन तीन बार बीनते हुए देखिए तीन चेन का ऊपर नौ डबल कुरी तीन छः नौ इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर तीन चेन डालना है फिर एक दो तीन फिर पलटने हैं दूसरी साइड इस साइड से आपको नौ चेन का ऊपर अठारह डबल बनाया बनानी है इसी तरीके से प्रत्येक चेन में दो दो बार डबल कुरिशनते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ देखिए तीन चेन का ऊपर नौ डबल कुरिशे नौ डबल कुरिश का ऊपर अठारह डबल कुरिश इस तरीके से बनाने के बाद इसको आपको देख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात सात चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है सातों वाले चेन में इस तरीके से सिलेपी से कनेक्ट करेंगे अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर इसका ऊपर तीन चेन एक दो तीन फिर इस तरीके से लेना है प्रत्येक चेन में आपको एक एक बार सिंगल कोर से बिना बेन देना है अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ तक बीनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ देखिए ये डिजाइन बन चुका है और डिजाइन बनने के बाद इसको इस तरीके से लेना है और यहाँ से देखिए फिर सात एक दो तीन चार पाँच छः सात सातों वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है अब देखिए ये इस तरीके से पत्ते वाला डिजाइन बनकर आता है अब देखिए इसी बात को आपको रिपीट करते हुए बीनना है फिर तीन चेन एक दो तीन तीन चेन में नौ डबल कुरी से बींगे प्रत्येक चेन में तीन तीन बार बिनते हुए देखिए नौ डबल कुरी से ये बन चुका है फिर तीन चेन एक दो तीन पलट लेना है दूसरी साइड फिर डबल कुरी से अठारह बार देखिए इसी तरीके से प्रत्येक चेन में डबल कुरी से बिनते हुए आपको अठारह डबल कुर्सी इसका ऊपर बनानी है अब देखिए ये डिज़ाइन का नीचे फिर इसको कनेक्ट कर देना है स्लीब स्टिच से फिर एक दो तीन तीन चेन फिर प्रत्येक चेन में आपको सिंगल कुर्सी बिना बीन देना है अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ अब देखिए फिर इधर चेन वाला डिज़ाइन छोड़ना है एक दो तीन चार पाँच छः सात सात तो वाले डिज़ाइन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है फिर अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनानी है अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ इसका डिजाइन भी देखिए कितनी बनानी है मैं गिनकर भी आपको दिखाती हूँ देखिए इसमें भी आपको डिजाइन डालना है देखिए किस तरीके से इसमें हम शुरू में दो बनाए फिर इसका ऊपर तीन फिर इसका ऊपर चार और इसका ऊपर पाँच देखिए एक दो तीन चार बन चुका है फिर इसमें भी हम डिजाइन बना देखिए इसका ऊपर तीन चेन एक दो तीन फिर डबल से भी नहीं तीन चेन में नौ बार कर लेना है अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर नौ डबल कुरुस से देखिए इसी तरीके से इसमें भी तीन डबल से एक दो तीन देखिए ये वाले चेन में भी आपको तीन डबल कुरुसे बिना बेन लेना है एक दो तीन इस तरीके से फिर इसका ऊपर तीन चेन एक दो तीन पलट लेना है दूसरी साइड फिर नौ डबल कुरुसे जिस तरीके से बाकी में बनाए थे उसी तरीके से बनाया नहीं है देखिए अठारह डबल कुरु ये बन चुका है फिर इधर साइड आपको कनेक्ट कर देना है ये चेन वाला लेना है और इसी में आपको कनेक्ट कर देना है फिर एक दो तीन, तीन तीन चेन फिर ये चेन वाला लेना है और इसका ऊपर सिंगल कुरुसी मिन्हें बेंध देना है इसी तरीके से ये डिज़ाइन बन चुका है फिर इधर साइड आपको देख रहे हैं ये डिज़ाइन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है इस तरीके से सिलेबी से कनेक्ट करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है देखिए एक दो तीन चार पांच डिजाइन इसमें बन चुका है और ये इस तरीके से बनकर आ चुका है फिर इसका ऊपर देखिए किस तरीके से डिजाइन बनानी अब देखिए इसका ऊपर इस तरीके से धागा लगानी है धागा लगाने के बाद तीन चेन डालेंगे एक दो तीन अब देखिए नीचे का चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है फिर इसका ऊपर तीन चेन डालना है एक दो तीन फिर लपेट लेना है और ये चेन में तीन बार बनानी है इस तरीके से तीन चेन में हम नौ डबल कुरीसी बिना बीनेंगे अब देखिए नौ डबल कुरीसी बिना हो चुका है एक दो तीन तीन चेन डालना है पलटनी है दूसरी साइड अब देखिए प्रत्येक चेन में आपको दो दो बार बीनना है जिस तरीके से हम बाकी में बनाए थे उसी तरीके से इसमें भी बनायानी है बार बार हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हुए बना रहे हैं बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और बनने की बात तो बात ही अलग है बहुत ही सुंदर नज़र आता है मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ अब भी जरूर रहेगा दोस्तों शेयर करना मत भूलिए मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ आपसे अब देखिए इस तरीके से अठारह डबल कुरे से इसका ऊपर बनानी है अब देखिए इतनी बनाने के बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है मतलब ये लास्ट वाले डिजाइन में हम इसी तरीके से आठों वाले चेन में कनेक्ट करते हुए डिजाइन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन डालेंगे फिर यहाँ से प्रत्येक चेन में एक एक बार सिंगल कुरी से आपको बनाते हुए अठारह सिंगल कुरी से बनानी है अब देखिए इसी तरीके से मैं बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ प्रत्येक चेन में एक एक बार सिंगल कुरु से बिने अब देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके से बनने के बाद फिर इधर भी आठ चेन छोड़ना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठों वाले चेन में इसको कनेक्ट कर देना है इस तरीके से फिर दूसरी डिजाइन भी इसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से ये वाला बनाए थे उसी तरीके से अब देखिए मैं इसी तरीके से इसके ऊपर डिजाइन बनाती हूँ देखिए नौ डबल कुरुश तीन छः नौ, नौ इस तरीके से बनने के बाद फिर इसका ऊपर तीन चैन एक दो तीन फिर पलटनी है डबल कुरुस से प्रत्येक चैन में दो दो बार देखिए इस तरीके से अठारह डबल कुरि से इसका ऊपर बनाया नहीं है देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है फिर इसको इधर साइड डिजाइन में कनेक्ट कर देना है डिजाइन लेना है इसमें देखिए एक डिजाइन इस तरीके से लेना है और इसको कनेक्ट कर देना है फिर तीन चेन एक दो तीन फिर देखिए ये चेन वाला डिजाइन लेना है और डिजाइन बना देना है सिंगल कुरीसे का इसी तरीके से इसका ऊपर डिजाइन डालेंगे अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है यहाँ तक हम इसी तरीके से सिंगल कुरीसे का डिज़ाइन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठों वाले चेन में आपको इसको कनेक्ट कर देना है इसी तरीके से इसका ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे अब तो देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ तो देखिए फिर इसका ऊपर एक दो तीन तीन चेन डालना है लपेट लेना है तीन छ नौ नौ डबल कुरी से बिना बेनना है फिर तीन चेन पलटनी है इसमें हम तीन चेन में नौ डबल कुरी से बना रहे है। है। हैं और फिर इसका ऊपर आपको अठारह डबल कुरी से बेनना है प्रत्येक चेन में दो दो बार बीनते हुए लपेट लेना है और फिर डबल कुरी से बिना बेन देना है प्रत्येक चेन में दो दो बार बीनते हुए इसी तरीके से इसका ऊपर अठारह डबल कुरे से बिना बीनना है अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर अठारह डबल कुरे से बिना बीन रही हूँ अब देखिए इतनी बीनने के बाद फिर यह डिज़ाइन इस तरीके से नजर आता है फिर इधर ये डिजाइन में आपको कनेक्ट कर देना है फिर इसका ऊपर तीन चेन डालना है और सिंगल कुरि से बिनाय है अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है अब देखिए एक दो तीन तीन चेन प्रत्येक चेन में सिंगल कुरी से बिना अब देखिए मैं इसी तरीके से प्रत्येक चेन में सिंगल कुरी से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ चेन वाला डिजाइन लेना है और सिंगल क्रोसी बिना अब देखिए ये डिजाइन इधर साइड कनेक्ट करना है तो देखिए इसमें चेन वाला डिजाइन पूरा हो चुका है किस में ये पूरा होता है किस में नहीं ये कोई बात नहीं इस तरीके से बनाने से ये देखिए बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है सिर्फ आपको पत्ते कितनी बनानी है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः पत्ते इसमें बनानी है लास्ट वाले में अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आ चुका है तो देखिए ये धागा आपको कट लगा देना है इस तरीके से एक बार नट लगा रही हूं और ये धागा कट लगानी है अब देखिए थोड़ी खींचना है और देखिए ये धागा आपको लक लगा देना है देखिए इस तरीके से एक दो बार ये धागा हम लक लगाएंगे अब देखिए इसको अंदर की ओर खींचना है ताकि ये फिनिशिंग से नजर आए अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है अब देखिए इसका जोड़ा किस तरीके से करना है ये इस तरीके से इसका ऊपर हम जोड़ाई करेंगे अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है देखिए ये और ये पीछे का स्टेज आपको लेना है और इसका ऊपर धागा लगा देना है तो देखिए इस तरीके से धागा लगाइएगा अब देखिए ये धागा लगाने के बाद देख सकते हैं ये वाला चेन लेना है और पीछे का भी ये वाला चेन लेना है और बना देना है स्लीप स्टिच बिनाएं फिर ये पीछे का स्टिच लेना है इसको भी पीछे का स्टिच लेना है और बना देना है स्लीप स्टिच बिनाएं इसी तरीके से इसका ऊपर हम स्लीप स्टिच बिनाए बीनते हुए जोड़ाई करेंगे अब देखिए ये धागा हम बाद में लग करेंगे देखिए ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है थोड़ी लूज लूज आपको स्लीप स्टिच बिना बीन देना है अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ देखिए इसमें ये वाला डिजाइन लेना है और इसका पीछे वाला डिजाइन लेना है चेन वाला और लगा देना है स्लिप स्टिच अब देखिए इस तरीके से फिर ये चेन वाला लेना है इधर का भी ये चेन वाला लेना है और बना देना है स्लिप स्टिच भी नहीं इसी तरीके से देखिए ये जो बीच का गैप है ये आपको छोड़ना है देखिए चेन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस बीस स्टीज में इसमें छोड़ रही हूँ अब देखिए इतनी छोड़ने के बाद आपको देखिए ये पीछे का स्टिच लेना है और स्लिप लगा देना है सिर्फ हम ये पीछे का स्टिल देंगे और स्लीप्ट लगाएंगे इसी तरीके से इसका ऊपर बीनते हुए आपको बनानी है अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनते हुए बना रही हूँ नीचे का और ऊपर का दोनों साइड में इसी तरीके से स्टिल लगाने के बाद ये बिनाई का धागा है ये आपको लक लगानी है अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है एक दो बार ये धागा लगाएंगे अब देखिए ये इस तरीके से बन चुका है इधर साइड ये टिप बटन लगाएंगे अब देखिए ये टिप बटन लगाने के बाद ये इस तरीके से इधर साइड में आएगा अब देखिए इधर और इधर आपको डोरी लगानी है डोरी आप कोई भी तरीके से लगा सकते हैं आप इसका ऊपर कुरसे से डोरी बनाकर भी डाल सकते हैं पर मैं इसमें चेन वाला डोरी लगा रही हूँ और देखिए ये जो बैग है बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है देखिए इसका लुक और फिनिशिंग आपको दिखा रही हूँ आज का ये बहुत ही सुंदर सा बैग बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए प्रश्न आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों शेयर करना मत भूलिए मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ और ये मैं कई बार बना चुकी हूँ बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दीपा नेटिंग चैनल में मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में तब तक के लिए दीपा नेटिंग चैनल धन्यवाद